प्यारे बच्चों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने संस्कृत का पाठ 4 वाक्य बोधः तृतीय की शीट नंबर 2 लेकर। बच्चों, इस शीट में आपको स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है वो बताया गया है। तो बच्चों, हम अपना ये पाठ पुनः शुरू करते हैं। सा का अस्ति, अर्थात वह कौन है। सा गायिका अस्ति, वह गायिका है। सा किम करोति, वह क्या करती है। सा गायति, वह गाती है। बच्चों, यहाँ पर वह स्त्रीलिंग में हमने सा शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात सा का मतलब होता है वह। फिर है ते के स्तः, इसका अर्थ है ये कौन है। ते अजे स्तः, अर्थात ये बकरी हैं। ते किम कुरुतः, ये क्या करती हैं। ते चरतः, ये चरती हैं। बच्चों, यहाँ पर दो बकरी हैं और दोनों स्त्रीलिंग हैं, तो बकरी के लिए हमने ते शब्द का प्रयोग किया है, वे दोनों के लिए। ठीक है। इसके बाद बच्चों, चित्र में ज़्यादा लड़कियाँ बनी हुई हैं, तो इसके लिए हमने प्रयोग किया है ताह शब्द का। ताह काह संति, अर्थात ये कौन है। ताह बालिकाह संति, ये बालिकाएं हैं। ताह किम कुर्वंती, वे क्या करती हैं। ताह पिवंती, वे पीती हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा हमने एक लड़की के लिए सा शब्द का प्रयोग किया है, दो बकरी के लिए हमने ते शब्द का प्रयोग किया है, और ज्यादा के लिए हमने ताह शब्द का प्रयोग किया है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले है मौखिक वाचन करके अभ्यास पुस्तिका पर लिखें, अर्थात ये जो शब्द दिए हुए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, इन शब्दों को आपको पहले मौखिक बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखना है। पहला है एषा, एते, एता। फिर है सा, ते, ता। उसके बाद है गायिका, गायके, गायिका। इसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यानि पूरयत, अर्थात इन वाक्यों को पूरा करो। तो यहाँ बच्चों 4 वाक्य दिए हुए हैं। पहला वाक्य है छात्रा अस्ति, अर्थात इसमें जो पहले ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो छात्रा एक होती है, इसलिए हम यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरा है बालिका संति। तो बालिका बच्चों ज़्यादा होती हैं बालिकाएं, तो यहाँ पर हम ताह शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात ताह बालिकाह संति। उसके बाद है गायिकाह संति। यहाँ पर भी बच्चों गायिकाह ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ भी हम ताह शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात है अजे चरतः। तो बच्चों अजे अर्थात दो बकरियाँ, तो यहाँ हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे। ते, ते अजे चरतः, अर्थात ये दोनों बकरी चरती हैं। तो बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। इसके बाद उत्तरमाला दी हुई है, जो हमने 7वीं शीट यानी पिछली बार भेजी थी। इसमें आपको चित्रों से नामों को मिलाना था। तो लेखनी होती है पेन, छात्रा अर्थात लड़की, और सारिका अर्थात मैना। तो इनको हमने उनके सामने लिखा है, आपको भी इस तरीके से अपनी कॉपी पर लिखना है। यहाँ पर हमारी शीट खत्म होती है बच्चों। अगली शीट लेकर फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, और पढ़ाई भी करते रहो। ओके, बाय बाय बच्चों।